हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A59 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A59 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोटोज़ वगैरह को कैसे प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप देख सकते हैं ओप्पो A59 5G फ़ोन में, और प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप कैसे देख सकते हैं ओप्पो A59 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्राइवेट फ़ोटोज़ आप कैसे देख पाएंगे और कैसे देख सकते हैं प्राइवेट फ़ोटोज़ को ओप्पो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शोर हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप कैसे देख सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि आपकी फ़ोन की जो आइकन्स हैं इस तरीके से शोर हैं ऑल आइकन्स। तो सिंपली आपको फाइल गैलरी पे जाना है। तो फाइल गैलरी आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी, जहाँ से प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे फ़ोटो सेटिंग है, तो आप कोई भी फ़ोटोज़ को जैसे हाइड करते हैं, हाइड करते हैं, तो आपकी मूव टू सेव फोल्डर करती फ़ोटो से हाइड हो जाएंगी। हाइड हो जाएंगी तो आप कैसे प्राइवेट फ़ोटोज़ को देख पाएंगे अपने ओप्पो फ़ोन में, तो सिंपली देख सकते हैं कि आपको यहाँ से बैक करके जाना होगा सेव फोल्डर आइकन्स पे। तो इस ऑप्शन पे जाते हैं तो प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप शो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस पर टैप करते हैं तो प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप देख पाएंगे। तो कुछ यहाँ से आपके फ़ोन में प्राइवेट फ़ोटो शो हो जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। किसी भी प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से टैप करके, एंड आप चाहें तो शो भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो इस तरीके से आप प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप देख सकते हैं फाइल ऑप्शन पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो